नमस्कार, एक बार फिर धर्म ज्ञान में हमारे दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्मित्रा अशोका जी। सर, एक बार फिर धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ रहा है, जो पूरे देश में दिखाई देगा और इसका प्रभाव नव वर्ष यानी कि साल 2020 पर भी रहेगा। और भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण 8:17 से लेकर 10:57 तक रहेगा और सूतक ग्रहण के 12 घंटे पहले ही लग जाएगा। ऐसे में एक आम आदमी से लेके देश पर ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, ये जानने से पहले मेरा सबसे पहला सवाल सन्मित्रा जी आपसे ये है कि 2018 में इसी ग्रहण को लेकर आपने भविष्यवाणी की थी कि धनु में 7 ग्रह होंगे। सभी भविष्य वक्ताओं ने 7 ग्रह बोलना शुरू कर दिया। फिर आपने सर भविष्यवाणी की थी कि 7 की बजाय 6 ग्रह होंगे और अब सभी वक्ताओं ने 6 ग्रह बोलने शुरू कर दिए। लेकिन मैं ये असल में जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में ग्रहण अनुसार धनु राशि में कितने ग्रह हैं। देखिए, इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा, गतानुगतिको लोका, लोक देखा देखी करते हैं। जब मैंने 7 बोला तो 7 बोलना शुरू किया भविष्य वक्ताओं ने, और जब 6 बोला तो अब 6 पे भविष्यवाणी हो रही है। एक्चुअल में 7 ग्रह ही हैं। हम लोग जो नॉर्मल कैलकुलेशन में जो ग्रह काउंट करते हैं उसमें प्लूटो और यूरेनस को नहीं, प्लूटो यूरेनस और नेपच्यून को कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम 9 ग्रहों को लेके चलते हैं। तो धनु राशि में प्लूटो, बुध, शनि, केतु, बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य, ये 7 ग्रह हैं। क्योंकि नॉर्मल आम कैलकुलेशन में हम प्लूटो को नहीं लेते तो इसलिए 6 पे भी कर दी। एक्चुअल में 7 ग्रह हैं। जब भी कभी एक राशि में आते हैं तो काफ़ी उथल पुथल कारक होते हैं। ऐसा ग्रह योग जो है 1961 की जो चाइना के साथ वार हुई थी उस टाइम थे, और उस टाइम युद्ध हुआ, उसको रोका गया किसी भी तरीके से, लेकिन युद्ध हुआ। अब भी जो आपका 26 दिसंबर 2019 के जो ग्रह हैं, ये जो संयोग बन रहा है इसमें 6 ग्रह धनु राशि में, राहु जो हैं वो मिथुन में हैं, मंगल और शुक्र ये 2 ग्रह जो हैं द्वादश और द्वितीय भाव में। देखिए, द्वादश भाव जो है ये भी कमजोर घर माना जाता है, सप्तम भाव जो है मारक स्थान है, द्वितीय भाव भी मारक स्थान है। प्रथम मार्केश होता अष्टम भाव, द्वितीय मार्केश होता सप्तम भाव, तृतीय मार्केश होता है द्वितीय भाव। उसके बाद मंगल जो है द्वादश भाव में स्वराशि स्थित है, तो मंगल भी ठीक नहीं है। और 9 में से 6 ग्रह, अगर प्लूटो को काउंट नहीं करते तो 6 ग्रह जो हैं वो ग्रहण की चपेट में है। तो अगर 9 के 9 ग्रहों का फल, अगर 9 के 9 ग्रह ही दिस वे और दैट वे ग्रहण की चपेट में आ गए हैं, तो इसलिए ये ग्रहण पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए कष्टकारक साबित होगा। तो इस ग्रहण पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नॉर्मली जो चीज़ें बताई जाती हैं वो सब तो करनी ही हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं को आपका जो है कोई चीज़ काटनी नहीं है, वो खा सकती हैं, कुछ भी पी सकती हैं, लेकिन ग्रहण को ना देखें, सूर्य की रोशनी में ना जाएं। इसी तरीके से जो बुज़ुर्ग हैं या जो आपके बीमार हैं वो लोग भी ग्रहण में कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन अंदर, बाहर ओपन में नहीं, क्योंकि ग्रहण का इफ़ेक्ट जो है वो उस पर पड़ेगा अगर वो ओपन में उसको करेंगे। बाकी जो चीज़ जो लोग संयम नियम का पालन कर सकते हैं उनको सूतक काल से ही
ग्रहण के टाइम पे कुछ खाना नहीं चाहिए, यानी कि 25 की रात के 8:17 से 26 की 10:57 तक आपको कुछ नहीं खाना है। 10:57 के बाद यानी कि 11 बजे आप फ्रेश भोजन बना के खा सकते हैं। अगर आपका रात का बना हुआ कुछ भोजन है तो उसमें आप तुलसा दल डाल दीजिएगा ताकि उस पर वो इफेक्ट ना पड़े, और उसको ढक के रखना। ये तो खाने पीने से और परहेज से लेके हैं, क्योंकि ये नौ ग्रह जो हैं किसी ना किसी तरीके से जो समय है 8:17 का उसके हिसाब से ग्रहण की चपेट में है। देखिए इसमें वृश्चिक राशि और आपका मकर राशि वालों को इस ग्रहण के कारण कानूनी वाद विवाद से दूर रहना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, कोर्ट कचहरी से दूर रहना इसमें ना उलझें, अदरवाइज उनको इसमें नुकसान होगा। बाकी धनु राशि के लिए ये ग्रहण बहुत भारी है, धनु और मिथुन के लिए ये ग्रहण बहुत भारी है। सबसे ज़्यादा नुकसान धनु राशि वालों का और मिथुन राशि वालों का है। वृक राशि और तुला राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है शनि की राशि में और शनि महाराज जो हैं ग्रहण की चपेट में। सूर्य चंद्रमा भी दोनों जो हैं इस टाइम ग्रहण की चपेट में, बृहस्पति भी ग्रहण की चपेट में है, स्वराशिस्थ हैं, फिर भी बृहस्पति की दोनों राशियां आपकी धनु और मीन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। टोटलिटी में 12 की 12 राशियों पर ग्रहण का कुप्रभाव, ग्रहण के दुष्फल प्राप्त होंगे इसमें, क्योंकि बृहस्पति जो हैं ये ग्रहण बृहस्पति और शनि ये दोनों जो हैं ग्रहण की चपेट में सूर्य चंद्रमा के साथ हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग नेता हैं और आपके बुजुर्ग फिल्म स्टार्स हो गए या स्टार्स हो गए या लीडर्स हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। द पीपल विल बी हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटल में होंगे या उनको सांस से रिलेटेड कोई परेशानी होगी। और आपके के वी जे और आर इनिशियल के लोगों के ऊपर इस ग्रहण का बहुत बुरा असर होगा। ए एम के पी और वी इनिशियल के लोगों को अकाल मृत्यु का डर रहेगा, तो इस इनिशियल के लोग ग्रहण के दिन वाहन ना चलाएं। सिर्फ ग्रहण के दिन नहीं, ग्रहण के दिन से 20 दिन पहले और 20 दिन बाद तक उनको इसका जो है परहेज रखना है। जिनको फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है वो इनिशियल हैं ए एम के पी और वी, इनको अकाल मृत्यु का डर है, किसी विस्फोट का भी शिकार हो सकते हैं, तो इनको जरा इसका ख्याल रखना है। और क्रॉनिक डिसीज एल्डरली जो हमारे नेता हैं या स्टार्स हैं या लीडर्स हैं, वो के पी एस और ए इनिशियल के जो हमारे नेता हैं या स्टार्स हैं या सुपर स्टार्स हैं, वो हॉस्पिटलाइज होंगे, उनको सांस से रिलेटेड बीमारी की संभावना है 20 दिन पहले। 20 दिन पहले का मतलब है आपका 6 दिसंबर से शुरू हो चुका है, और 20 दिन बाद 26 से 20 दिन बाद लेंगे तो 15-16 जनवरी तक उनके लिए समय कष्टकारक है। अब आप ये पूछेंगे कि इस ग्रहण के दुष्फल से
बचने के लिए कौन बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। जो भी आपकी राशि है, वैसे तो यथा सामर्थ्य आपको 25 तारीख 8-17 से 15-20 मिनट पहले 7 अनाज घर के कोने में, किसी भी कोने में, वो अलग अलग 7 अनाज के अलग अलग पैकेट कोने में लगाकर और अपने इष्ट देव को हाजिर नाजिर करके या अपने कुल देवता को या अपने बुजुर्गों को याद करके आप प्रार्थना करें कि आपके जो भी कष्ट हैं उनका निवारण हो और ग्रहण का दुष्फल आप पे और आपके परिवार पे नहीं पड़े। वो आप एक कोने में सामान को रख दीजिएगा। तुलादान में क्या होता है, जो आपका वेट है उससे कम 2 किलो ऊपर आप रखिएगा। 7 अनाजों में देखिए, हर ग्रह के अपने अपने अलग अलग अनाज हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनके अलग अलग अनाज हैं। सूर्य के लिए आप गुड़ डाल सकते हैं मीठा। सूर्य के लिए आप अनाज में अगर लेते हैं तो गेहूं भी डाल सकते हैं। आजकल गेहूं का चलन नहीं है तो आप पिसा हुआ आटा डाल सकते हैं। चंद्रमा के लिए आप चावल डालिएगा, जो आपके पितरों को भी शांति, पितरों की अगर कोई पितृ दोष है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। मंगल के लिए आप चने की दाल, साबुत चना, वो लेके रखिएगा। बुध के लिए आप मूंग की दाल। बृहस्पति के लिए आप पीली चीज़ में कोई भी ले सकते हैं, कोई भी दाल ले सकते हैं, तो चना बृहस्पति में भी दे सकते हैं आप। शुक्र के लिए सफ़ेद में आप कुछ भी ले सकते हैं। सफ़ेद में आप मूंग धुली ले सकते हैं, बाहर से उनका जब छिलका उतर जाता हो तो अंदर से मसूर भी ले सकते हैं। शनि के लिए आप जो है उड़द लेंगे और राहु केतु के लिए, वैसे तो मेटल्स का दाना, मेटल्स इसमें लगानी नहीं है, तो 7 अनाजों में से कोई भी अनाज जो आप चाहें उसमें लगा के 7 अनाज आपको पूरे करने हैं, जिसमें मुख्य आपको गेहूँ और चावल, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा डायरेक्ट आपके प्रभावित हैं आपके इस ग्रहण से, तो मेजर जो है आपको ये रखना है। ये रख के 8-17 से पहले 25 तारीख की रात के 8-17 से पहले नमस्कार करके आप उसको वहाँ पे ढक दीजिएगा। नेक्स्ट डे जब मोक्ष हो जाएगा, यानी कि 10:57 के बाद आप लोग स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद इस दौरान सुबह 8:17 से लेके 10:57 तक आप अपने पूजा स्थल में नहीं जाएंगे। आप सूतक का टाइम जो 25 को स्टार्ट होगा 8:17 से, उसमें आप मंदिर नहीं खोलेंगे, अपने मंदिर में ज्योत वगैरह कुछ नहीं जलाएंगे। वो सब आपको नेक्स्ट डे जब ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा, स्नान करने के बाद फिर सारे में आप जल छिड़क के, गंगा जल छिड़क के पूरे उसको शुद्ध करके उसके बाद आप पूजा पाठ करेंगे। अगले दिन 11 बजे ये सारा सामान जो ग्रहण का दान लेने वाले आते हैं, एक्चुअली ग्रहण के सामान पे हक जो है वो उन लोगों का है जो बहुत ही गरीब और पिछड़े या जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, उनका हक है। लेकिन अगर ग्रहण के दौरान आपने कुछ टच नहीं कर पाया और आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता, तो आप ये सामान, क्योंकि ग्रहण के दौरान आपने टच नहीं किया, तो ये मंदिर में भी दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को आप बांट दें। वो सारा का सारा सामान जो है गरीबों की बस्ती में जाके आप दे सकते हैं। सब अलग अलग पैकेट्स होने चाहिए और परिवार में जितने
लोग हैं जिनकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, जिसमें मैं बताऊंगा आपको, एक तो मकर राशि वालों को, धनु राशि वालों को, आपका मिथुन राशि वालों को और वृश्चिक राशि वालों को, ये तुला दान तो करना ही है अपना। बाकी आप अगर घर में 5 सदस्य हैं तो 5ों के लिए जो एक नॉर्मल जो है आप 50 किलो या 100 किलो का तुला दान सबकी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन जो राशि मैंने बताई है उनको, धनु, मिथुन, मकर और वृश्चिक, इनको ये तुला दान करना चाहिए, क्योंकि इनके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ सकता है। इसमें आप वृक्ष राशि और कर्क राशि वालों को भी यही दान करना चाहिए। अगर ये दान करते हैं तो ये ग्रहण का सबसे बड़ा दान है। अगर ये दान आप करते हैं तो आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ ग्रहण काल में अपने मंदिर के बाहर ग्रहण से पहले स्नान करके आप किसी भी मंत्र का जाप करते रहें, और उसमें आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि भगवान, ग्रहण से जिन ग्रहों के ऊपर ये ग्रहण का प्रभाव हुआ उनसे इनको राहु और केतु के उससे मोक्ष हो, उनको उनसे आराम मिले, तो ये आपको प्रार्थना करनी है। चलिए सर, 26 दिसंबर को जो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है उससे जुड़ी इतनी संपूर्ण जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे और संगीता शोकर जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।